हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस के बारे में, जिसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जो एनकरेजिंग कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसके लिए। इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस जो है वो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें डेड फीटस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे यूज़ किया जाता है, इसमें बेबी का बल्क रिड्यूस किया जा करके उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वजैनली डिलीवरी करने के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन मॉडर्न डे ऑब्स्टेट्रिक्स में अभी अबैंडन किए जा चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास न्यू ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम डेड बेबी को ईजिली वजैनली डिलीवर कर सकते हैं। ओल्डन डेज में हमारे पास जब इतने अच्छे ड्रग्स नहीं थे, तब डेड बेबी के लिए सिजेरियन सेक्शन करना और यूट्रस पे स्कार देना, इट वाज नॉट ए गुड चॉइस। तो उस टाइम पर ये डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस किए जाते थे। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है वो है क्रेनियोटॉमी। क्रेनियोटॉमी जैसे कि आप टर्म से समझ सकते हैं, इसमें जो फीटल हेड है उसको परफोरेट करके उसके कंटेंट्स को इवैक्यूएट किया जाता है, ताकि हेड स्मॉल हो जाए और ईजिली डिलीवर हो जाए। इट इज़ इंडिकेटेड इन केस ऑफ किफेलिक प्रेजेंटेशन विथ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड ऑल्सो हाइड्रोकिफेलस फीटस, जिसमें हेड बहुत बड़ा हो जाता है एक्सेसिव CSF की वजह से। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है सिम्पसन्स परफोरेटर। दिस इज़ यूज फॉर परफोरेशन ऑफ द हेड। हेड को परफोरेट करके उसके कंटेंट्स को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेनियोटॉमी में यूज़ होता है, क्रेनियोक्लास्ट फॉर्सेप। इसको ये भी हेड को परफोरेट करके डिकम्प्रेस करके बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट सर्जरी जो है वो है डिकैपिटेशन। जैसे कि वर्ड सजेस्ट दैट इसमें सीवरिंग ऑफ फीटल हेड फ्रॉम द ट्रंक, हेड को जो है ट्रंक से कट करके बाहर निकाला जाता है। दिस इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ नेग्लेक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन व्हेन नेक इज एक्सेसिबल, और दूसरा है इंटरलॉकिंग हेड ऑफ द ट्विंस। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है डिकैपिटेशन हुक विथ नाइफ। ओके, सो दिस इज द हुक। ये जो है नेक में वजाइनली डाला जाता है और फीटस के नेक में इस यहाँ पर नाइफ है, दिस इज अ शार्प एज जिसके द्वारा हेड को कट किया जाता है। द नेक्स्ट सर्जरी जो है वो है एविसरेशन, यानी कि इसमें बेबी का जो एब्डोमिनल और थोरैसिक कंटेंट है उसको रिमूव करके बल्क रिड्यूस किया जाता है और उसे बाहर निकालने में इजी होता है। इंडिकेशन जो है इसमें है वो है नेग्लेक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन व्हेन नेक इज़ नॉट एक्सेसिबल। नेक जब इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो हम डिकैपिटेशन नहीं कर सकते, तो एविसरेशन करते हैं। और दूसरा जो है फीटल मालफॉर्मेशन लाइक एसाइटिस। एसाइटिस में एब्डोमिनल कैविटी इज़ वेरी एनलार्ज्ड, तो उसमें हम लोग ये सर्जरी कर सकते हैं। एविसरेशन के लिए जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर सीजर, जिसका सिर्फ हैंडल जो है वो थोड़ा बड़ा रहता है। इसको एम्ब्रियोटोमी सीजर बोलते हैं। ये थोरैसिक केज और एब्डोमिनल कैविटी को कट करके एविसरेशन के लिए यूज़ होता है। नॉट ओनली दैट, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द नेक्स्ट सर्जरी, दैट इज़ क्लीडोटोमी। दिस इज़ इसमें वन या एक या दोनों क्लैविकल को कट करके शोल्डर का जो डायमीटर है 20 एक्रोमेल डायमीटर उसे कम करके निकालने में यूज़ किया जाता था। इसका इंडिकेशन है डेड फीटस विथ शोल्डर डिस्टोशिया, हेड इज़ आउट बट शोल्डर इज़ इम्पैक्टेड, इन दैट केस इट इज़ यूज्ड। और इसके लिए भी एम्ब्रियोटोमी सीजर का यूज़ किया जा सकता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता था, वो है ये हुक विथ क्रॉशेट। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये इम्पैक्टेड ब्रीच डिलीवरी में ग्रोइन को ट्रैक्शन देने के लिए यूज़ होता है, यूज़ होता था। और ऑल्सो इन केस ऑफ डिकैपिटेशन, जो डिकैपिटेटेड हेड है उसमें उसके जॉ के अंदर में इसको फंसा के हेड को बाहर निकालने के लिए भी यूज़ होता था। सो दिस वॉज अबाउट डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन इन ब्रीफ। आप इसके डिटेल स्टडी कोई भी ऑपरेटिव बुक से पढ़ सकते हैं या फिर गूगल में पढ़ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।